ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएं। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुबह दिखने वाले ये दो संकेत जो माने जाते हैं बहुत ही शुभ। यदि आपने भी सुबह सुबह ये दो शुभ संकेत देखे तो समझ लीजिए पैसों से बढ़ जाएगी आपकी जेब। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। वास्तु के अनुसार सुबह के समय कई ऐसे संकेत नज़र आते हैं जिनका दिखना काफ़ी शुभ होता है। वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही शंख की मधुर आवाज़ सुनाई देना भी काफ़ी शुभ होता है। वास्तु के अनुसार अगर शंख की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है तो यह माँ लक्ष्मी के घर में आगमन का संकेत है। वास्तु के अनुसार सुबह उठने के बाद घर से निकलते हुए किसी को झाड़ू लगाते देखना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कई दिनों से ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपके जीवन की तंगी दूर होने वाली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो यदि सपने में दिखाई दें तो वह भी बहुत शुभ मानी जाती हैं। सपने में झाड़ू, उल्लू, गधा, सुराही, हाथी, नेवला, छिपकली, सितारा या फिर सांप दिख रहा है तो यह शुभ संकेत हो सकता है। वास्तु के अनुसार अगर दाई हथेली पर लगातार खुजली हो रही है तो ये भी धन आगमन का संकेत हो सकता है। इसी के साथ घर में एक स्थान पर ही तीन छिपकलियाँ एक साथ दिखाई दें तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी इनमें से कोई घटना घटित हो रही है तो ये एक साधारण घटना नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का संकेत है कि आपके जीवन में पैसों की तंगी समाप्त होने जा रही है, धन के नए नए मार्ग खुलेंगे और आपकी खाली जेबें धन से भरने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।